जन्नत से निजात पाने का अशरा है। आप हम इबादतें करें और कोशिश करें कि वो अमल करें कि अल्लाह तआला हम और आपको जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखे। और हम आपकी कोशिश रखें जैसे कि बताया गया, ऐसा नहीं कि हम आपने रमजान में जो इबादतें की और रमजान तक गुजर जाए तो फिर हम कोई हालत किया नहीं। रमजान आया तो अब इस इबादत को कबूलियत दे, दुआएं भी तो करना है ना। बुजुर्ग फरमाते हैं कि पहले लोग 6 महीना रमजान पाने की दुआ करते थे और जब 6 महीना बाकी रहता रमजान पाने के बाद तो रमजान में किए हुई इबादत की कबूलियत की दुआ करते थे, इबादत की कबूलियत की दुआ करते थे। तो इबादत करना ये अच्छी बात है, लेकिन उससे यह भी है कि अल्लाह की बारगाह में कबूल होना। और कबूल कैसे होगी? कबूल होने का सबब यह है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ की है। अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए तो हम और आप इंशाअल्लाह बाद रमजान भी दो फर्ज से पहले मैंने 8 सुन्नत पढ़ी, मैंने तर्जिया आता 4 पहले पढ़ा, फिर बाद में इमाम साहब जब इशारा करते तो फिर 4 पढ़ता। जुमा के दिन फर्ज नमाज से पहले, नमाज से पहले जी बजाय 4 पढ़ने के 8 पढ़ा। हाँ सुन्नत है, मैंने सुन्नत सुन्नत 4 सुन्नत है ना, तो 8 पढ़ा मैं। यानी जुमा की जो सुन्नतें हैं कुल मिलाकर के नमाज तो 14 रखा है, उसमें से 4 सुन्नत मुकद्दर नमाज से पहले है, 4 बाद। इन सुन्नतों का जो वक्त है, इन सुन्नतों का जो वक्त है, 4 वाली का वक्त है जुमा की नमाज से पहले है और फिर 4 का जो है जुमा की नमाज के बाद का वक्त। यही वजह जब आप किया करते होंगे तो यह क्यों कह लगा चार का मासूना जुमा की नमाज से पहले, जुमा की नमाज से पहले कह लगा दिया। तो अभी जो जुमा की नमाज की पाली पढ़ना है, अगर पढ़ लिए तो ये नफल में शुमार होगा, पढ़े तो आएगा तो नहीं आएगा। अल्लाह की वारदात तो बहुत बड़ी वारदात है, हम नमाज पढ़ते हैं अगर भूल चूक होती है, पता नहीं कभी आप नमाज में दुआ तुरंत पढ़ना भूल जाते हैं या कभी कोई वाजिब छोड़ देते हैं, होता है ना। तो अल्लाह शरीयत हमें ये नहीं कहते कि अब तुम ये दोस्तों जबर से नमाज पढ़ते नहीं, बल्कि सजदा सौ कर लिए अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाता है, अल्लाह की नजदीक मुआफ़ से ही है। तो भले ही 4 का पहले पढ़ लिए तो ये नफर नमाज में शुमार होती और अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर जरूर होता। अगर बाप या जिसके पास 100 तोले सोना है, अगर अपनी नाबालिग औलाद में तकसीम इस तरह से हो कि अब उस पर उनका कोई इख्तियार ना है, अपनी मिल्कियत से धुआ निकालते, पूरी अपनी मिल्कियत से निकालते, क्योंकि तकसीम करने या किसी को मालिक बनाने का मकसद यही होता है कि वो किसी को दे रहे हैं तो अब आपका उस पर कोई इख्तियार नहीं है, आप उसे बेच नहीं सकते, उसे आप ले नहीं सकते। तो अगर तकसीम की ये सूरत है कि चारों औलाद पर तकसीम कर दिए, उनकी मिल्कियत में दे दिए, अब उसका कोई इख्तियार नहीं, अगर ये सूरत है तब तो ज़कात वाजिब नहीं है ना नाबालिग पर और ना जिन्होंने अपनी औलाद पर तकसीम किया है। नाबालिग पर तो इसलिए नहीं कि ज़कात फर्ज होने के लिए बालिग शर्त है, ज़कात फर्ज होने के लिए बालिग शर्त है, और जिन्होंने तकसीम किया है शायद और बाप उस पर इसलिए नहीं कि अब उसका मालिक नहीं, क्योंकि ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए शर्त क्या होना है, मालिक होना है। अब जब उसकी मिल्कियत में है ही नहीं है, कब्जा में है ही नहीं है, तो अब ज़कात उस 100 तोले पर नहीं है। तकसीम के अंदर ये सूरत मालिक नाने की ये सूरत हो तो, और अगर सिर्फ नाम का है कि हमने अपने बच्चों को दे दिया, सिर्फ नाम का, पूरा इख्तियार इन्हीं का, पूरा इख्तियार हमारा ही है,
तकसीम करना नहीं हुआ, ये मालिक बनाना नहीं हुआ, फिर क्या होगा? अब उस पाप पर, उस बंदे पर, उस तौर को लेकर ज़कात निकालना